दोस्तों रेफ्रिजरेटर के पीछे पानी जम जाता है। जब भी आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर काफ़ी टाइम तक चलता है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है, या तो कार लोड सेटिंग हो गया, उसके बाद आप पीछे देखेंगे जो कि रेफ्रिजरेटर के पीछे, तो पानी जम जाता है। तो ऐसा पानी को कैसे क्लीन करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो पानी अभी मेरे को ज़्यादातर, मैं एक बहुत सारा मैंने टाइप का रेफ्रिजरेटर मैंने देखा हो, ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर हमने देखा कि पीछे पानी जम जाता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना जी आपके रेफ्रिजरेटर का वो यही सिस्टम है क्या। ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, देखो ये देखो पीछे पानी है, पानी पानी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो यहाँ पर पानी पानी है, ठीक है। वहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा पानी, आप देखो इस साइड में, ठीक है। तो इसी पानी को मैं अभी सफाई करूँगा, ये पीछे पानी जम जाता है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो बात ये है, कभी भी आपको रेफ्रिजरेटर को आप पीछे, आप जब भी आप ये हाथ देंगे, आप सबसे पहले लाइन को स्टॉप कीजिए, लाइन को, और इसको आप इसको ओपन कर लीजिए, जो फ्लाक है आपके वो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ही आप उसको पीछे ना आप हाथ दीजिए, ठीक है। वो मैंने गलती कर दिया, ठीक है, वहाँ पर पीछे हाथ मेरे को नहीं देना था, लेकिन फिर भी हमने वो, लेकिन पीछे कभी भी लाइन को ऑफ करके भी आपको हाथ देना, या तो पानी अगर आप क्लियर करते हो पानी को तब भी आप क्लियर कीजिए। सबसे पहले इसको स्टॉप कीजिए, उसके बाद आप छोटा सा ये जो हैंडल होता है ना, इस टाइप का हैंडल को ले लीजिए, ठीक है। इस टाइप का जो हैंडल होता है, तो इसमें क्या है ना, वो पीछे का ऐसा करके पानी हम उठाएंगे और इसमें किसी भी एक पात्र में हम डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हम पानी को सफाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने लिया हूँ, अब इसी पानी को हम सफाई करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने उठाया पानी, आप देख सकते हो, और ये यहाँ पर मैं डाल दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम पानी को यहाँ पर सफाई करेंगे, नहीं तो पानी यहाँ पर भर जाएगा और ओवर लोड हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो सकता, कोई भी चीज़ ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में ये जब भी भर जाता है, वैसे तो इसको बार बार क्लीन करना नहीं होता है, अगर ये चलता ही रहेगा हर टाइम, ये अगर चलता ही रहेगा तो ये पानी नहीं जमता, लेकिन अगर चलते चलते अगर अचानक लोड सेटिंग हो गया तो ये पानी जम जाता है, ठीक है। तो मैं तो इस तरह से इसको मैं सफाई करता हूँ, और बहुत बार वो जो कपड़ा है ना, कपड़ा को, कपड़ा से भी मैं सफाई करता हूँ, जो कपड़ा को मैं ऐसे लेता हूँ और इसके पीछे दे देता हूँ, उसके बाद ऐसे निंगरा लेता हूँ, उसके बाद फिर से दोबारा देता हूँ, फिर यहाँ पर हम लोग चाप के पानी को बाहर कर देता हूँ कपड़ा से, फिर से हम पानी में देता हूँ। तो इस तरह से हम सफाई करते हैं पानी को, इस तरह से हम सफाई करते हैं। और जब भी आप इस तरह का पानी सफाई कीजिए, आप इलेक्ट्रिक लाइन को सबसे पहले ऑफ कीजिए, उसके बाद ही आप पीछे हाथ दीजिए, नहीं तो आपको शॉर्ट खा सकते हो, ठीक है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हो, टोटल मैं अभी इसको क्लीन करूँगा, मेरा जो रेफ्रिजरेटर है इसको मैं अभी क्लीन करूँगा फिलहाल। तो आप देख सकते कितना नंगरा हो चुका है, बहुत ही कचरा हो चुका है, तो इसको सबसे पहले सफाई करना पड़ेगा, इसके अंदर भी कितना कचरा हो चुका है। तो और बहुत एक बदबू आता है, ठीक है, एक बदबू आता है, उसी उसको ही क्लीन करना पड़ता है, और टोटल ऊपर में थोड़ा आप सब कुछ अभी क्लीन करेंगे हम। तो ये बीच बीच में करना सही होता है, अच्छा होता है, क्योंकि अब खाने का सामान रहता है, खाने का चीज़ रहता है, तो इसलिए सफाई करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ भाई एक एक महीना में एक बार तो फिर सफाई करना बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस पानी तो इस तरह से मैं तो सफाई करता हूँ, तो मैं जिस तरह से सफाई करता हूँ आपके साथ शेयर किया, आप किस तरह से सफाई करते हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई इस वीडियो में जो भी कैच किया हो ना, मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने आपको बताया, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए यही बात मैंने किया जो जैसे मैं करता हूँ वैसे। और वैसे भी ये तो कोई बड़ी बात मेरे को तो लगता नहीं है, कोई बड़ी बात है पानी फ्रिज से अंदर से पानी को सफाई करना, ये तो क्या है, सिंपल है काम। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे वीडियो को देखें, अगर आपको कुछ भी आपको नॉलेज या तो कुछ भी आपको मतलब बुद्धि अगर आपको मिला है, तो मुझे कौन सा जो पॉइंट आपको अच्छा लगा है वो पॉइंट आप मुझे कमेंट करके देना गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो अलग नेक्स्ट वीडियो तो क्या देखेंगे बाद में हम बात करेंगे। मैं सफाई के बारे में मैं कहना चाहता था कि सफाई कैसे करते हैं, सफाई एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था कि
जो नींबू है ना, नींबू से अगर निकल के उसका जो जो पानी होता है नींबू का, उसी पानी से टोटली हम निकल के उसका रस से हम टोटली फ्रिज के अंदर के अगर हम सफाई करेंगे तो वो ना खुशबू बहुत ही कट हो जाता है, जो बदबू आता है बदबू कट हो जाता है। तो यही मैं कहना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे ऐसा है, देखते हैं अगर टाइम मिले तो करेंगे। तो कैसे आज के लिए नहीं, इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, गुड बाय।